अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सिर्फ वो ये वाली क्या ले यहाँ से दादाजी के लिए। भैया एक मिनट सुनिए, ये देखिए दादाजी के लिए ये वाली घड़ी कैसी रहेगी, अच्छी है ना? अरे वाह, है तो बहुत सुंदर। और वैसे भी दादाजी की घड़ी बहुत पुरानी हो गई। अरे बहुत पुरानी हो गई। और ये घड़ी ना, उन्हें ना इसमें चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पल्स पे चलती है, ये नब्स पे। अच्छा हाँ, तो बहुत महंगी होगी। बहुत नहीं, 6,000 रुपए की। 6,000? तो क्या अब क्या 6,000? तो 6,000 की घड़ी दादाजी पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं 6,000 रुपए की, कह देंगे सस्ती है। ये हो सकता है। एक काम कर, दो घड़ियां। दो क्यों? अरे पिताजी भी तो हैं। गुड आइडिया। हाँ लेकिन एक शर्त है भाई, ये माल वहां पहुंचने से पहले इसका टैग, इसका बिल, सब कुछ फट जाना चाहिए। अगर उनको पता चल गया कि ये 6,000 की घड़ी है तो। बड़ा पाव। बड़ा पाव? आप लंच में बड़ा पाव खाएंगे दादाजी? इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है बेटा? देखो इस शहर में रोज लाखों लोग बड़ा पाव खाकर पेट भरते हैं, और वैसे भी पैसे वाले लोग तो मॉल गए हैं आज, वहां महंगी महंगी चीज खाएंगे वो। और मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि इस मुंबई शहर में सिर्फ 100 रुपए जेब में लेके आने वाला आदमी 10 दिन तक भूखा नहीं रह सकता। सुबह और शाम बस बड़ा पाव खाओ, जीरो। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम दादाजी, वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता बेटा, क्या पता समय कब ऐसी करवट ले ले। इसलिए मैं अपने आप को बुरे से बुरे दिन के लिए तैयार रखना चाहता हूँ। दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों को इतना लायक बनाया है कि वो ऐसा दिन कभी आने ही नहीं देंगे। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिसमें आपको वड़ा पाव खाना पड़े लंच में। पता है बेटा, पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी सच कहूं तो आज मुझे भी वड़ा पाव खाने की बहुत इच्छा है। अच्छा। एक काम करो, वो नुक्कड़ वाला नंदू है ना, उसे फोन करके हमारे दोनों के लिए एक एक वड़ा पाव मंगवा। और जैसे ही ये मॉल वाले लोग आएंगे ना, तो हम उन्हें चिढ़ाएंगे कि महंगा और गंदा खाना खाने की बजाय हमने सस्ता और अच्छा खाना खाया। वड़ा पाव। अभी करती हूँ। उधर आ, उस वॉलेट मेरा खराब हो गया ना, वॉलेट देखना। भैया भैया। हाँ क्या हुआ, कैसा है ये? पहन के दिखा। कैसा लग रहा है? या गोल, या क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़ो, आप बताओ कैसा लग रहा है? मस्त
मतलब तू ऐसा पूछ के ऐसा नहीं लग रहा, मतलब शाहरुख सलमान उलमान सब पे सब पे। सच कसम दोनों की कसम। किन दोनों की कसम? उन दोनों की, शाहरुख सलमान के। पेन 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 देख। चलो अरे प्राचीन ज्ञान का है बाबा। हेलो माय नेम इज ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, हाउ यू डूइंग? अरे बाप रे, अगर मुंह नहीं खोला होता तुमने बेटा तो पता ही नहीं चलता कि तुम हो। ये क्या पहन रखा है? हमारा ज्ञान एकदम एनआरआई लग रहा है ना। नॉट रिक्वायर्ड इंडियन। पता है रोनाल्डो मेसी टॉरस सब यही पहनते हैं। ये कौन है? फुटबॉलर है भैया, बहुत बड़े, पूरी दुनिया जानती है उन्हें, सिवाय हमारे बड़े भैया के। अच्छा अगर ऐसी बात है तो इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में क्या जानते हो? बताओ बताओ। चलो उनके खिलाड़ियों के नाम बता दो। चलो बता। बैचुंग। क्या बैचुंग? बेच चुके सब, तुम खाली अंग्रेजों की पूजा करो बस। ठीक है क्या लिया? बेचुंग। बेचुंग आठ हजार क्या? ये चश्मा आठ हजार? अरे अरे अरे, पहनिए मत, पता चला भाड़ा लगता हो इसका भी। पागल हो गया क्या भैया? अब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पहनते हैं तो महंगा तो होगा ही ना। ये लो। हाँ ये महंगे इसलिए नहीं है क्योंकि इसे बड़े बड़े खिलाड़ी पहनते हैं, ये महंगे इसलिए क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को ये पहनने के बड़े बड़े पैसे दिए जाते हैं जी, ताकि तुम जैसे गधे इसकी नकल करके 300 का माल 8000 में खरीद सके। भैया भैया जो भी हो मुझे ये चश्मे चाहिए भैया प्लीज। अरे तू पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? चल रख दे, रख दे, जहाँ से लिया वहीं रख दे। चल चल। अब 8000 की तो बात है ना भैया, आपको अगर वो भी ज्यादा लग रहा है तो आप मुझे बाकी कुछ मत दीजिए प्लीज, ये चश्मे दिला दीजिए ना भैया। भैया प्लीज। नहीं चाहे तो अगले एक साल तक कुछ भी ना खरीद, फिर भी मैं तुझे ये चश्मे खरीदने के लिए 8000 रुपए नहीं दूंगा। अरे 8000 के चश्मे खरीदना, तू बता कहाँ की अकलमंदी है क्या? ज्ञान तू बात समझ ले। अच्छा एक काम कर, अभी अभी वैसे भी पेट बहुत खाली है, भूख लग रही है बहुत जोर की, तो पहले पेट शांत करते हैं फिर मन शांत करते हैं फिर आराम से बात बैठ के बात करते हैं। आप लोग जाइए और खाइए, मुझे नहीं खाना। ज्ञान मेरी बात तो सुन। ज्ञान इतना मत फैल, फट जाएगा। अरे यार देखा, तुम देखा इतनी सारी चीजें दिलवा के दी है उसका कुछ नहीं, बच्चा एक चश्मा नहीं लेके दिया तो साहब का गुस्सा यहाँ आ गया एकदम से। तुम लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। भैया आप ऐसे नहीं। भैया मेरी बात सुनिए भैया। भैया अरे बस यही प्रॉब्लम है पशु भैया। ये प्रॉब्लम पशु भैया की, तुम लोग मतलब चल बटोर सब कुछ। चल पशु भैया की प्रॉब्लम है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये लोग? दादाजी शॉपिंग मॉल गए, मॉल में वक्त कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। शॉपिंग करना, खाना पीना, आते ही होंगे। अरे आ गए, क्या हुआ? सबके मुंह क्यों लटके हुए? बस ऐसे घूम घूम के थक गए। ज्ञान प्राचीन क्या क्या लिया? वही जो बड़े भैया को पसंद आया। ज्ञान ऐसी बात नहीं है, तू जानता है। ऐसा ही है भैया, अब आपने तो देखा है ना कि हर चीज खरीदने से पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ रही थी। हाँ तो अनुमति लेनी पड़ेगी ना बेटा, वो बड़े हैं हमारे। जो चीज उनको पसंद आई बस वही लेके थी। अब उन्हें वो चश्मा ठीक नहीं लगा तो उन्होंने नहीं खरीदा ना। क्या अरे बाप, ज्ञान क्या हो गया, एक चश्मे को लेके मूड इतना खराब करोगे? अरे चश्मा ही था, दिलवा ही देते अगर इसे इतना पसंद था तो। हाँ बात चश्मे की नहीं है दोस्ती, बात 8000 के चश्मे की थी। 8000 रुपए? हाँ उसमें क्या हीरे जड़े हुए क्या? एक बार को हीरे मोती जड़े होते तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुमने तेज देखा ना कैसा था वो अजीब सा चश्मा, ऐसा यो 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 कर रहा था। ये जो 3 बैग्स है ना उसमें सब उसी की खरीदारी है, एक महंगा वाला चश्मा लेके नहीं दिया तो बस, कुछ नहीं लेके दिया साहब को। नेकी कर कुएं में डाल। ज्ञान ज्ञान अरे
ज्ञान। दादाजी आप कह रहे ये तो बहुत सुंदर। दादाजी पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है कि इसमें चाबी भरने की जरूरत नहीं है आपको। ये नब्ज पे चलती है, वो पल्स पे। हाँ मतलब धड़कन रुकी तो ये भी रुक गई। दादाजी दादाजी क्या महंगी दिखती है, कितने की है? नहीं नहीं महंगी नहीं है दादाजी, ये महंगी दिखती है पर महंगी है नहीं। फिर भी कितने की है? दादाजी आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? हाँ नहीं नहीं बेटा यकीन की बात नहीं है, नहीं मैं कोई पूछे तो पता तो होना चाहिए ना। छह हजार। 6,000? इतनी महंगी? ये वक्त बताने के साथ साथ वक्त पलट भी देती है क्या? नहीं नहीं इतनी महंगी मुझे नहीं चाहिए। दादाजी ऐसी बातें मत कीजिए, हम अपनी खुशी से लेके आए हैं आपके लिए। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, वापस दे दे मेरी खुशी के लिए। दादाजी ये तो गलत है, हम इतने प्यार से आपके लिए लेके आए हैं और आप इस तरह वापस करने की बातें कर रहे हैं घड़ी को। नहीं नहीं इतना महंगा प्यार मुझे नहीं चाहिए दादाजी, प्लीज। वापस ये सब होने वाला है। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तुम दे दो चाय के साथ। कहने को तो हम लोग इतना बड़ा मॉल घूम के आए और खाने को मिल रहा है क्या? वड़ा पाव। एक दिन मॉल क्या घूम के आए, वड़ा पाव गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी समझी जी। हाँ मैं भी तो मजाक कर रहा था। मैं ज्ञान और प्राचीन को ये वड़ा पाव दे के आती हूँ। कहा यार, बड़े भैया ने मना कर दिया। उनका कहना है कि 8,000 का चश्मा खरीदना बेवकूफी है। कुछ नहीं खाया ना तुमने? चलो खा लो। हाँ नहीं भाभी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? लगता है शॉपिंग करके तुमने पूरा पेट भर लिया ना, है ना? अच्छा बताओ क्या क्या खरीदा तुमने? अरे वाह ज्ञान, ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की? एक्सीलेंट चॉइस, चल पहन के दिखा। नहीं भाभी अभी किसी की नहीं सुनेगा, जब तक इसकी आंखों पे वो चश्मा नहीं आएगा ना तब तक इसके कान काम नहीं करेंगे। बस प्राचीन उस चश्मे के बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी, आई मीन इट। ज्ञान को इतनी सारी चीजें मिली हैं, अगर उसके बावजूद आपको अपना मूड खराब करके रखना है तो वो गलत है, समझे आप? नहीं भाभी बात सिर्फ चश्मे की नहीं है, बात है मेरी पसंद नापसंद की। हर किसी ने वही चीजें खरीदी जो जिसका जिसका मन किया, लेकिन मैं अपनी पसंद की चीज क्यों नहीं खरीद सकता? मुझे क्या दूसरों से मिन्नतें करनी पड़ती है? दूसरों का मतलब? हाँ पशु भैया दूसरे हैं, पशु भैया के बारे में तुम ऐसी बातें करोगे ज्ञान? That's not fair. ज्ञान ज्ञान चलो तेज बुला रहा है। ज्ञान ज्ञान चलो प्राचीन लेके। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, कहने लगे कि
पैसे तो वापस होंगे नहीं, अगर इसके बदले में चाहिए तो कुछ और लेके जाओ। ये क्या बात हुई कि अगर खरीदी हुई चीज आपको वापस करनी हो तो उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, सामान ले लो। ये तो डकैती है डकैती। आंटी जी ऐसी बात नहीं है, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, अपने कायदे कानून होते हैं। अब हमारी दुकान को ही देख लीजिए, हम लोग भी अगर कोई चीज लेके जाता है तो उसके पैसे वापस नहीं करते, उसको अगर एक्सचेंज करनी है तो रिप्लेसमेंट दे देते हैं। इसलिए मजबूरन मुझे उस घड़ी के बदले कुछ और लेना पड़ा। क्या? उस घड़ी के बदले मैंने लिया है जन्म रसखला खूबा। नहीं, तो वही चश्मा जो ज्ञान को पसंद आया था। हाँ बच्चों, ये वही चश्मा है जो ज्ञान ने पसंद किया था और मुझे भी बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ले लिया इसे। ज्ञान के लिए खरीद। ये भुई वाले, थैंक यू सो मच भैया। मैं अभी फोटो खींचकर अपने सारे दोस्तों को भेजता हूँ चश्मे पहनकर। थैंक यू क्या जरूरत थी चश्मा लाने की? मैंने मना किया था ना। कुछ ना कुछ तो लेना ही था ना भैया। अरे तो कुछ और ले लेता भाई, कोई काम की चीज ले लेता। भैया कुछ ऐसा जो किसी को पसंद भी ना हो और जिसमें खर्चा भी हो, वो लेने से अच्छा है कि कोई ऐसी चीज ली जाए जो जो पा के किसी को खुशी मिले। इसीलिए मैंने सोचा कि ज्ञान को जो चश्मे इतने पसंद हैं वो ले लिए जाएं। और वैसे भी इतनी छोटी सी चीज के लिए उस बेचारे बच्चे का मूड खराब हो और घर का माहौल खराब हो, ये भी तो समझदारी नहीं है। बेटा लाड़ प्यार अपनी जगह है, पर बच्चों की हर जीत पूरी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ दादाजी, लेकिन ज्ञान का उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं गया। और इसलिए तुमने उसकी जिद पूरी कर दी। हाँ मान लो। क्या तेज, बच्चा है, मुंह फुला के घूमता है तो घूमने दो, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे जब हम छोटे थे तो हम भी तो यही करते थे। मम्मी पापा अगर हमारी जिद के सामने नहीं झुकते थे, हमें अपनी पसंद की चीज नहीं दिला के देते थे, तो हम भी तो मुंह फुला के घूमते थे, लेकिन बाद में अपने आप ठीक हो जाते थे कि नहीं होते थे दादाजी? बेटा बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी ही पड़ती है। हाँ। ये मत समझो कि तुम उन्हें खुश कर रहे हो, बल्कि तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं तेज। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आप सब लोग सही बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबको इतना भी बता दूं कि इतने सारे पैसे का कोई फायदा नहीं अगर इतना सारा पैसा एक छोटे से बच्चे की जिद पूरी ना कर सके। हमारा बच्चा ज्ञान, वो कौन सा हमारे सामने रोज जिद लेके आता है, कौन सा कहता है कि रोज मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। आज पहली बार उस बेचारे ने हमसे एक छोटी सी चीज मांगी, और जब हम अब दे सकते हैं तो क्यों नहीं। और क्यों आप लोगों को लगता है कि वो ज्ञान एक छोटे से गिफ्ट की वजह से बिगड़ जाएगा या हम लोगों के बर्ताव में बदलाव आ जाएगा इस पैसे की वजह से? आप सबको लगता है कि हमारे घर के दिए हुए संस्कार इतने कमजोर हैं? एक बात समझ लो बेटा, शेर के मुंह एक बार खून लग जाता है तो बार बार शिकार करता है। भगवान करे हमारा ज्ञान ऐसा कुछ न करे। जैसे तूने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, रूठा ही रहा, किसी से बात ही नहीं की। और देख तेरा तरीका काम आ गया, ये चश्मा फाइनली मुझे मिल ही गया। अरे तेज भैया ने अभी अभी ला के दिया। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाय। अब आइए सबके नब्ज मेरे हाथ में। मैं समझ गया हूँ इस घर में अपनी हर बात कब और कैसे मनवानी। अब देखता हूँ मेरी हर बात पूरी कैसे नहीं होती।